Assam Finance Minister Janta Niyog on Monday tabled the state budget 2024-2025. During the budget, he said the poverty headcount in the state declined from 36.9% to 14.47%. Among the schemes announced, 10 lakh girls will be given ₹10,000 on their enrollment in higher secondary schools. 2.5 lakh women would be included in Orunodoy 2.0 financial assistance scheme, state government to provide over 1 lakh jobs, among others. Opposition parties in Assam on Monday reacted to the Assam budget after it was tabled by the state finance minister, Janta Niyog. Congress MLA Bharat Nara said the budget was only for election and there was no innovative or developmental steps. Meanwhile, Rijor Dal MLA Akhil Gogoi said he had never seen such conventional budget in his life and there are no visionary schemes to uplift Assam's economy. असम का इसमें जो लोन का जो परसेंटेज था वो 18% था, तो 18% मीन्स 25,000 ऐसा था, लेकिन दिस टाइम क्या है वो जो लोन का जो परसेंटेज और बढ़ा दिया है, इंक्रीज़ किया है, इंक्रीज करके क्या मतलब 20.50% किया है, मतलब 2.50% ज़्यादा हुआ है, मतलब लोन का एवरेज, मतलब इसका मतलब क्या है, जो बजट में लास्ट ईयर जो फिस्कल डेफिसिट 3.5 था, मतलब इसका ज़्यादा हो गया अभी, तो इसे लोन ज़्यादा होगा तो दावा ज़्यादा होगा, तो इसमें ओनली जो लोकसभा इलेक्शन के लिए ऑन, मतलब इसमें कुछ नहीं है, जस्ट अनाउंसमेंट है, स्कीम का अनाउंसमेंट है, और मेनली जो बेनिफिशियरी का जो पर्सनल बेनिफिशियरी का स्कीम है ज़्यादा इसका ही अनाउंसमेंट किया है, ज़्यादा ओपोजिशन आप लोग इसका ऊपर और क्या कहेंगे? नो यह तो क्या है, इसमें मतलब वो जो घटना घुटी है, इसमें कोई नया बात नहीं है, नया स्कीम नहीं है इसमें, और उसको मतलब निर्वाचन केंद्रित है, निर्वाचन के लिए बना है। और आज तक मैंने जितना बजट देखा है मेरा लाइफ में, यह सबसे गतानुगतिक एक बजट है, कन्वेंशनल बजट है, इसमें कोई इनोवेशन नहीं है। असम को वन स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए, असम का इकोनॉमी को वन स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए कोई विजनरी कोई स्कीम नहीं है। असम का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि असम में एक बार ही खेत होता है साल में, वो राउंड द ईयर्स खेत करने के लिए, पूरा साल भर खेत करने के लिए जो प्रोजेक्ट लगाना है, जो इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें एक रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है 100% इरीगेशन के लिए, और इरीगेशन दे के 100% खेत करने के लिए जो प्रोजेक्ट लेना था ये नहीं है। इस बजट से असम का भविष्य चेंज नहीं होगा, इस बजट से असम का आज का जो आधुनिक असम है इसको मिडिल विलेज में लाने के लिए कुछ प्रोविजन है, लेकिन असम को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है।